लेंगे? आपको भाई चाहिए था? आपको भाई लेंगे। सच? मैं मामा से पूछ के आऊं? मामा से नहीं सिली, आंटी देंगी। मुझे तो ये भी समझ आती कि मैं जरा से नफरत करूं तुमसे या अपने आप से। फरा उसका दिमाग टूट गया मुझसे, सुबह से कुछ खाया भी नहीं उसने, तबीयत भी ठीक नहीं उसकी। मेरा मुसलसल उनके सामने रहना सेहत देता है। तुम्हारी अम्मी जैसी वापस आएगी मैं तुम्हें वहां छोड़ा। आज बहुत दिनों के बाद तुम बहुत अच्छा रही हो। लेकिन तुम्हारे लिए तैयार नहीं हुई, मैं खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए तैयार हुई। वेलकम। अच्छा ये बताओ, यहाँ सब सही रहा? हाँ यहाँ सब सही रहा। और हसन की बीवी की वजह से तो कोई मसला नहीं हुआ ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। थैंक गॉड। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बात करनी। हाँ हाँ, शाहिद भाई के बारे में ही करनी होगी। अरे नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? तुम्हारी मंगनी हो गई है बच्चों, 6 महीनों में शादी है, तो परेशानी किस बात की? इसीलिए तो परेशान हूँ। बेवकूफों वाली बातें ना करो, ये तो बहुत खुशी की बात है। लाहौर जाके जब अम्मी अबू मेरी शादी करके वापस आएंगे तो अकेले कैसे रहेंगे? तौबा है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये भी कोई परेशान होने वाली बात है? मैं सच में बहुत परेशान हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल। तुम कैसे संभालोगी? 24 घंटे अम्मी और अब्बू को देखभाल की जरूरत होती है। हाँ मैं वो, तुम अपने घर चली जाओगी और फिर हफ्ते में कोई एक या दो मर्तबा आओगी, ऊपर से तुम्हारे बच्चे के 100 बहाने। अभी सो रहा है, अभी खाने के टाइम है, अभी उठने का टाइम है, अब हसन के आने का टाइम है, तुम कैसे संभालोगी? फरा तुम उन सब चीजों की फिक्र मत कर, अब से मैं यही रहूंगी। ये कैसे मुमकिन है? हसन घर जमाई बन के रहेगा क्या? नहीं, वो मेरे साथ मुस्तकिल तो नहीं रहते ना, कभी कभी जब मिलने आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी इधर ही रह जाए। हसन मान जाएंगे? मैं मना लूंगी, तुम बस खुशी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं, पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम ऐसा ही करोगी। दो वादा। वादा बच्चों, वादा। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे एक और बात भी करनी थी। हाँ। वो शाहिद कह रहे थे कि वापस जाके मेरी सारी से मेरी बात करा देना। हाँ, तो कराओ ना। अभी नहीं, रात को जब अम्मी और अबू सो जाएंगे तब। वैसे वो देखने में कैसे? देखने में तो ठीक है, लेकिन जब तुम बात करोगी तो बता देना। बताओ ना बच्चों कैसे। अरे मैं क्या बताऊं, खुद देख लेना, बात करके पता चल जाएगा। पापा अच्छा खेल कूद के आई हो, थकी नहीं तुम? पापा मामा कह रही है आइंदा से आंटी इस घर में नहीं आएंगी। ऐसा तो नहीं होगा बेटा, वो जरूर आएंगी। लेकिन वो क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि मामा जानती नहीं है ना, इसलिए। लेकिन आपने तो मुझे भाई गिफ्ट करने का वादा किया था ना। करेंगे ना, लेकिन ये बात मामा को बताने की नहीं है। ओके ओके। समन आज देर हो रही है, सोना। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। आयशा ने फैसला आप पर छोड़ दिया है,
और मुझे पता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फैसला मुझे लेना पड़ेगा। तुम समन के सामने उल्टी सीधी बातें ना किया करो। मैं नहीं चाहती कि हमारे मसाइल का असर उस पर पड़े, उसकी पर्सनालिटी पर, उसके फ्यूचर पर। ये क्यों साबित करना चाह रही हो आशी को? सिर्फ तुम्हारी बेटी, वो मेरी बेटी भी है। मुझे पता है उसके सामने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। ये तो बहुत अच्छी बात। देखो हसन, मैं समझ सकती हूँ, इंसान हर दफा अच्छा नहीं करता, बहुत दफा बुरा भी करता है। कई दफा हालात से मजबूर होकर कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता है। लेकिन तुम बस अब फैसला करो। मैं सब भूलने के लिए तैयार हूं। हम जैसी जिंदगी गुजार रहे थे वैसी गुजारेंगे। तुम ही ने कहा था ना हमारी जिंदगी मुकम्मल है, और समन हमारी आसमान का सबसे रोशन सितारा। जो किया जो हुआ वो भूल जाओ, हम वैसी ही जिंदगी गुजारेंगे हसन। मैं सब भूलने के लिए तैयार। फरा प्रेग्नेंट है, ये भूल नहीं सकता। मैं जानती हूं तुम उसे अभी नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन फैसला तो कर सकते हो ना। तुम जल्दी से अपना फैसला कर लो,
और समन को तुम्हारी जरूरत। अकेला नहीं छोड़ना। तुम लोगों को नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा शे। ट्रस्ट मी प्लीज। ब्रेकफास्ट इज रेडी। अरे भाई इतनी देर से सो रही हो? भाई तुम्हें तो सुबह उठकर नाश्ता करने की आदत ही जो है, उठ जाओ भाई, बहुत लेट हो गए। लगते आज मैं अपने हाथों से अपनी इतना तेज बुखार। फौजिया फौजिया मैं अभी डॉक्टर को बुलवाती हूँ। आज समन बहुत खुश थी तुम्हारे साथ स्कूल जाने पर। वैसे मैं सुबह उसे ड्रॉप कर सकता हूँ, बट दोपहर में थोड़ा सा निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऑफिस से मीटिंग्स होती हैं, अब टाइमिंग्स आप चेंज नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वापसी पर उसकी वैन लगवा दूंगी, प्यार से समझाऊंगी, समझ जाएगी। हसन तुमने कल रात को कहा था ना कि तुम मुझे और समन को अकेला नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा नाशी। तुम्हें इस बात का क्या मतलब समझो? तुम्हारा जो भी फैसला है तुम साफ साफ बता दो मुझे। हेलो हसन, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, फरा को बहुत तेज बुखार हो गया है, उसे डॉक्टर के पास से जाना पड़ेगा। कल तो ठीक थी वो, क्या हुआ अचानक? हाँ वो रात को ठीक थी पर जब सुबह अम्मी ने उसको जगाया तो उसे बहुत तेज बुखार था। मैं उसे ऐसे कोई दवा भी नहीं दे सकती, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे जाना पड़ेगा, परी को बहुत तेज बुखार है। बस हसन अभी आता ही होगा फरा। तेज बुखार है इसको। क्यों बताया हसन को बच्चों? मना किया था आपको? तुम्हें इतना तेज बुखार है, हमारे हाथ पांव फूले हुए हैं और हसन का यहाँ होना जरूरी है फरा। तो बस खामोश हो जाओ। इतना तेज बुखार है। अम्मी फैसला करने को तो कहती लेकिन मैं खुद एक दो राय पे खड़ी। अगर हसन ने फरा के हक में फैसला किया तो हसन ऐसा नहीं कर सकता। और तुम वो बात क्यों सोच रहे हो जो अब तक हुई ही नहीं? इसलिए कि वहां से फोन आया था,
और हसन मेरी बात अधूरी छोड़कर चलेगा। बहुत परेशान हूँ भाभी, मुझे एक पल का सुकून नहीं। आयशा खुद पर भरोसा रखो, मैं जानती हूँ हसन का फैसला तुम और समन ही होगे, और ऐसा ही होगा। अगर फरहा ने हसन को बेटा दे दिया तो मैं क्या करूं? हसन, मैं दवाई ले लूंगी, आप ऑफिस जाएं प्लीज। तुम्हें अपनी जरा भी फिक्र नहीं है ना? मैं ठीक हूँ। कितना बुखार है पर। हसन, दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी ना, तो आप क्यों परे? अरे अब तक दवाई नहीं खाई इसने। हसन देख लो उसकी हालत, सुबह से इसके पीछे पड़े हुए हैं कि जरा सी कोई दवाई खा लो, कुछ खा लो ताकि उठने की हिम्मत आ सके। पर मजाले जो एक दफा भी ये सुन ले, प्लीज इसको देखो और कुछ खिला देना। बच्चों आप क्यों ये सब? मैं तुम चुप रहो प्लीज, लो पूरा पीना। लास्ट विजिट पे डॉक्टर ने क्या कहा था? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं, फिर तुम जबरदस्ती कोई प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाहती? मैंने कल पेट भर के खाना खाया है, बच्चों तो ऐसे ही बोलती रहती है। अच्छा चलो। तुमने कोई टेंशन तो नहीं ली ना? नहीं, और लेने की जरूरत भी नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हसन को फैसला करने का कहकर आयशा खुद दोधारी तलवार को सुन ली। वो बहुत डरी और खौफजदा सी है, और उसे डर इस बात का है कि अगर फरा के यहाँ बेटा हो गया तो हसन का सारा रुझान उसकी तरफ हो जाएगा। सारी फजूल की बात है, सिर्फ आयशा को मजबूत होना चाहिए बस। नहीं अहमद, सच पूछे तो डर मुझे भी इसी बात का है, ऐसा हो भी सकता है। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये भी हो सकता है कि उसके घर बेटी पैदा हो। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा आपका टूर कितने दिन का है? हाँ एक हफ्ते का, यार सिंगापुर से दो दिन के लिए मलेशिया भी जा। तो आप आयशा से मिलकर नहीं जाएंगे? नहीं, इस दिन के बाद आयशा ने इस मामले पे मुझसे बात ही नहीं की। शायद मैं उसको कमजोर बना रहा हूँ, बहुत मजबूत बनना चाह रही है। उससे मिलने गया तो वो फिर कमजोर बन जाएगी और फिर मेरा जाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। देखो तुम जिस तरह से उसको हेल्प कर रही हो, प्लीज इसी तरह से करती रहना। मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल था, बट मैं तुमसे फोन पे बात करता रहूं। टेंशन मत ले, मुझे बताती रहे प्लीज। ना ख्याल रख आशा का भी। आयशा ने आपसे कहा है कि आखिरी फैसला करें, अब आप वो फैसला करें जो आपके समन और आयशा के लिए बेहतर हो। मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। पर क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? ये बेवकूफों जैसी बातें नहीं है, ये मेरा फैसला है, आखिरी फैसला। हाँ जी ठीक है, सही, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो मामा से? कुछ भी नहीं। दिखाओ।
अरे नहीं दिखाओ। कोई जरूरत नहीं आइंदा ये हरकत करने की। गंदी मामा। हेलो। हाँ सलाम अलैकुम, कैसे हो? जी आंटी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। पर कहाँ आंटी? आप सो रही है, अगर तुम कहो तो उठा देती हूँ। नहीं नहीं जगाइएगा मत, बस मैंने ऐसे ही बात करने के लिए फोन किया था, खैरियत जानने के लिए। अच्छा तुम शाम में तो आ रहे हो ना? हाँ आंटी मैं कोशिश करूँगा आने की। अच्छा जी अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके अल्लाह हाफिज। आयशा तो बहुत गुस्से में होगी, जिस तरह मैं उसे छोड़कर निकला था शाम को भी लेट हो जाऊंगा। फारा के पास भी तो जाना जरूरी है, लेकिन आयशा ने कोई कॉल की क्यों नहीं? हेलो। तुमने मेरी बेटी को भाई गिफ्ट करने का आस्था देकर अच्छा नहीं किया, जिंदगियां बर्बाद कर दी हमारी, कहीं दूर चली जाओ यहाँ से। तो बर्बाद कर ही दी है, मेरी बेटी को मत बर्बाद करो, चली जाओ। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्या हम आपकी बीवी को खिलाएंगे पिलाएंगे? नहीं ऑफ कोर्स खिलाएंगे पिलाएंगे, मैं जानता हूँ आप बहुत ख्याल रखते हैं, आपकी लाडली बहन जो है। वो तो है। अच्छा आप अबू आपसे मिलना चाह रहे थे, तो पहले आप फरा से मिल लें, वो अंदर ही है, फिर अबू से मिल लीजिएगा। जी कैसी हो? ठीक हूँ। सारा दिन ऑफिस में तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो फिक्र नहीं करूंगा। आप कल से यहां बताइएगा। क्या मतलब नहीं आई? आयशा ने आपसे कहा है कि आप ही फैसला करें, अब आप वो फैसला करें जो आपके समन और आयशा के लिए बेहतर हो। मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? ये बेवकूफों जैसी बातें नहीं है, ये मेरा फैसला है, आखिरी फैसला। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, कल से मत आइएगा।
हम सब जरूरी बात कर रहे थे ना, जो तुम बीच में उठ कर चले गए। तुम चाहती क्या वाजी? फैसला करो आशी, तुम जानती हो समन, समन जान है मेरी, तुम जिंदगी हो मेरी, और फरहान निकाह है मेरे, शी इज कैरिंग माय चाइल्ड। बच्चों का खेल नहीं है, रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। बच्चों का खेल नहीं, जिस तरह तुमने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा वो बच्चों का खेल नहीं। तुम झूठ बोलते, ना समन तुम्हारी जान है और ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी। अगर ऐसा होता तो हम दोनों के बीच में किसी की गुंजाइश ना होती। प्लीज प्लीज डोंट से ना, ऐसा नहीं है। मुझे इस नसीहत से निकाल दो। ताकि मैं फाइनली डिसाइड करूं कि मुझे जिंदा रहना है या नहीं। प्लीज ऐसी बातें मत करो, प्लीज। पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूं मैं पागल। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता हसन, मुझे इस अजियत में से निकाल दो प्लीज। मैं मर जाऊंगी आशी, प्लीज आशी। जाने का फैसला करती तो बेहतर होता हमारे लिए, लेकिन ये हसन से अलग होने का फैसला हम कबूल नहीं कर सकते। निसार, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? हो सकता है आपने गलत सुना हो। मैंने जो कुछ सुना है सही सुना है। इसने मजाक बना रखा, हर रोज फैसले करती रहेगी और हम चुपचाप बर्दाश्त करते चलेंगे। अच्छा आप बाहर जाइए, मैं खुद इससे पूछती हूँ। प्लीज निसार रिलैक्स। इस दफा ऐसा नहीं हो सकता, समझे तुम? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मुझे साफ सा बता आखिर बात क्या है। अम्मी मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन आप मेरी माँ हैं, आप मेरी बात समझे। खुशबू से पता चल रहा था तुम्हारे। जीना सीखा कैसे गुजरे पर।
आशी आशी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ और इतनी अजियत होगी। रास्ते को अनजाने में मेरी वजह से तुम कितनी परेशान हो, कितनी दुख में हो, तुम्हें मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आशी आशी तुमने कहा था तुम्हें फैसला करना पड़ेगा आसान, लेकिन इतना आसान नहीं आशी, मुझे कुछ टाइम चाहिए, कुछ वक्त चाहिए मुझे, प्लीज आशी प्लीज तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। आशी हमारे लिए ना सही, समन के लिए प्लीज, आई नीड सम टाइम आशी प्लीज, क्योंकि मैं कभी भी तुमसे या समन से दूरी इमेजिन भी नहीं कर सकता। प्लीज आशी आई नीड सम टाइम आशी। एक तरफ तुम कह रही हो हसन ने तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की, और दूसरी तरफ इतना बड़ा फैसला करा। मैं ये फैसला अपने दिल की खुशी से तो नहीं कर रही। क्या मतलब है इस बात का, मतलब क्या है? बस मजबूरी है मेरी, मैं हसन को खुश देखना चाहती हूँ, उसको इस तरह बेचैन नहीं देख सकती। साफ साफ कहो आखिर बात क्या है। बात यह है कि हसन की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, और वो भी मेरी वजह से। अम्मी वैसे भी सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा था। हसन, उनकी बीवी, उनकी बेटी, तीनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और वो मेरी वजह से। मैं बस हसन को खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मेरा आखिरी फैसला है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। मैं हसन को आयशा और समन की तरफ वापस लौटा देना चाहती हूँ, बस मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। आप मेरा साथ दें प्लीज, बच्चों कहो ना इन्हें। अम्मी प्लीज, मैं हसन को खुश देखना चाहती हूँ, साथ में भी। धुआं है, अंधेरा है, और
निसार बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम 15 मिनट में मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी अच्छा मैं आता हूँ। दिया के द्वारे इश्क पुकारे आ जा रे यूं ही आ जा। हमारा फोन बज रहा है। हाँ वो ऑफिस से ही है यार, एक्चुअली लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ फिर। शाम का। हाँ जी। मामा पापा चले गए। लेकिन उन्हें भी तो सैटरडे को छुट्टी मिलनी चाहिए ना। अच्छा चले, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप अच्छे से ब्रश करके और हाथ मुंह धोकर आओ, ठीक है? हेलो, कैसी हो आयशा? मैं ठीक हूँ। तुमने हसन से बात की? हुई थी। वो थोड़ा वक्त मांग रहे हैं। तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए। मगर अखर मगर कुछ नहीं आयशा, मैंने तुम्हें समझाया था कि देखो पैसों मोबाइल से कोई काम नहीं होगा, तुम्हें हसन के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहना होगा। यही कर रही हूँ भाभी। अच्छी बात है। हसन कहाँ है? ऑफिस चले गए। ठीक है चलो तुम आराम करो, मैं शाम में चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे पास। ओके ओके। दुआ करो कि आंटी जल्दी वापस आ जाए, वो मर जाए। मैं हसन के बगैर कभी खुश नहीं रह सकती। हसन सिर्फ मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ना तुम कहीं जा रही हो, ना समन कहीं जा रही है। के द्वारे इश्क पुकारे।